कबद बारवा क्या मांगू तुझ तेरे ना रहाई देखा तुमने चले हो जग जाई क्या मांगू तुझ तेरे ना रहाई देखा तुमने चले हो जग ये बाणी महाराज कबीर साहब दी। कबीर साहब जी महाराज जब भी दुनिया में आए तो दुनिया का ही जायजा लिया कि क्या इतने कोई चल रहन वाली चीज है। देखदिया देखदिया संसार जा रहा है और संसार दे देखदिया असी चले जाना है। फकीर जब भी दुनिया जाते हैं वह मुंड तो ही बचपुने तो ही उन्होंने ख्याल जड़े है परमात्मा नाल जुड़े होंगे। कबीर साहब जी जो 8 साल की उम्र सन एक माई अखा दवानी सी बच्चों में खेड़ते सन वो तुरदी तुरदी आई कबीर साहब के नाल ठोकर लगी उसनों तो कबीर साहब ने कहा माई तेन दिसदा तो है तू एवं तुरी करती है। उस माई ने देखा तो उन्होंने चिट्टी चिट्टी धरती नजर आई अखां झमकियां सब कुछ ही नजर आना शुरू हो गया। पिछे मुड़ के देखा कि कौन सी मैनु ये कहन वाला फड़ के कबीर साहब नूं कुछड़ चुक लिया तो रौला पाण लगी लोको ये कोई हौलिया कोई पैगंबर है ये कोई बहुत बड़ा फकीर है मेरिया अंधिया अखा मैं लगता कुछ नहीं सी देखो इसने वचन किया मेरिया अखा बन गई। कबीर साहब की माई आई उसने कबीर साहब ने वो पुछड़ों लै लिया दिल से सोचा कि मेरे कबीरे नूं कोई नज़र ना ला दे ये रौला पाती है माई आंढ गुआढ़ा पुछना कंडिया के मूँह पहला ही त्रिखे आते हैं वो घर के नहीं बनते कि मेरा कबीरा अखा मीट के बैठ जाता कि बहुत देर बैठा रहा अख नहीं चमकता भैनों मैनू दसो ये की बीमारी लगती है बच्चों बच्चे इस तरह से किस तरह होंगे है तो आंढ गुआढ़ ने जो भी बाहर दियां गल्लां करदी भैन तू किसी सियाने बंदे नूं पुछ सियाने बंदे नूं बुला कोई इहनूं झाड़ा करा दे इस बच्चियां नूं बीमारियां लग जांदियां बाहर दियां बीमारियां लग जांदियां। सो कबीर साहब जी महाराज छोटी उम्र विच ही बहुत देर बैठे रहिंदे हुंदे सी जिहड़ा कोई भी गल नहीं सी करदे। उन्होंने उन्होंने पिता ने कहा भी जिहड़ियां इह सानूं गल्लां दसदा है सानू उन्हों का जवाब नहीं आता पता नहीं है कितों गल करता है। 8 साल की उम्र में ही बलादर ने जोर पाया कि लड़के की सुनत करनी चाहिए है साड़ी शरा के मुताबक शरा भी रलाना चाहिए। कबीर साहब ने कोल बिठा लिया उन्हें खाने दाने बनाना शुरू कर दते सब बलादर उन्होंने चिंटे के कपड़े चंगे ला के नवे आ गए। कबीर साहब जी कोल बैठ गए काजी ने कहा तेरी सुनत करनी है। कबीर साहब ने कहा ओ काजी जो परमात्मा ने बनाया उसनू टाणा इंसानी काम नहीं है। परमात्मा ने जो भी दुनिया च भेजा वो भेजा है। काजी गुस्से होके उन्होंने कहन लगा कि शरह के नाल मिलना ही पड़ेगा। कबीर साहब जी कहन लगे काजी पहली सती एक सती विच ईसा जी होया है छेवीं सती दे विच मुहम्मद साहब होया है ते 10 लाख साल तो पहला ही दुनिया बनी है ते पहला कौन सी मुसलमान केड़ी शरह सी पहला
तू मैनू तंग करदा है केड़ी शरह ही पहला दस लाख साल तू पहला ही दुनिया चाहे। कारी फिर गुस्से होया, देखो परमात्मा दी मौज अपने प्यारियां दियां ओही रक्षा करने वाला। कबीर साहब का परसावा उत्थे रह गया ते कबीर साहब जी गंगा दे किनारे जाके बच्चियां नाल खेडन लग पे। बलादर दे मुखी बंदे जिहड़े सन वो काजी नूं गुस्से होण कि तू लड़के नूं फड़ के, लड़के इदां ही करदे हुंदे आ, तू फड़ के इहनूं सुन तकार। हुण काजी देखे ते काजी नूं नजर ना आवे ते बाकी लोकां नूं परसावा उहदा नजर आवे ते हसी जावे। भगवान की मौज, काजी ने रौला पाया, लोको ये लड़का बड़ा शैतान है, ये पता नहीं किधर चला गया, इनू लभो फड़ो, किधर गया है, किधर नहीं गया, मैनू इत्थे लभदा नहीं। काजी नू लभे कुछ ना, कबीर साहब का सिर परछावा सी, अगे होके फड़न लगा ते फड़े किनू हाथ कुछ ना आवे। ते कबीर साहब जी गंगा के किनारे बच्चियां नाल खेलदे सी। सो वो मालक जिहड़ा है वो अपने प्यारियां दी रक्षा करदा है, हर समय वो साथ साथ रहिंदा है। कबीर जी माता ने कहा, कबीरा हर का तरना बुनना छड्या, कबीरा हर का नाम बसा लिया शरीरा। ऐ कबीर तू दुनिया का तरना बुनना छड़ दिता ते तू राम राम ही कही जाना, हर का नाम ही सिर्फ कही जाना, होर भी कोई काम है? तो कबीर साहब जी कहन लगे, राम ही राम, राम ही राम है, इस तो बद कुछ नहीं है। सो जद भी दुनिया च फकीर आउंदे है वो साड़ी आम दुनिया की मिसाल है, तो जजमेंट करते हैं कि क्या कोई कैम रहने वाली वस्तु है। कबीर साहब जी जदों दुनिया जाए उन्हें देखा कि कोई चीज उन्होंने नज़र नहीं आई, बड़े बड़े दुनिया के राजे महाराजे आए चला गए, और अवतार आए, ऋषि मुनि आए, हौलिए पकंबर आए, अपने अपने टाइम ते चला गए, कोई चीज रहन वाली कैम रहन वाली नहीं। इस वास्ते कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, क्या मांगो है प्रभु, कि मैं दुनिया की चीज केड़ी मंगा, की मंगा, ये रहन वाली तो कोई भी नहीं। फकीर ने मंगया एक, सिर्फ उस परमात्मा का नाम मंगया, तू तो अपने गुण बख्श, अपना प्यार बख्श, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। जेड़ी चीज कायम रहने वाली है, प्यार साड़ी एक बहुत बड़ी जायदाद है, जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया, जिन लफज जड़ा ये मुश्तरक लफज है, ये गरीब मीर इसरी पुरुष सारे आ जाते हैं। कोई भी उस परमात्मा दे नाल प्यार करता है, कोई भी उसका नाम जपता है, उसके दरवाजे खुले है, वह किसी वक्त भी जा सकता है, ये बारे कोई लसेंस नहीं लेना पैंदा किसी पर। कबीर साहब जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि की मंगिए, उन्हें मंगया है ईश्वर का नाम, उन्हें प्यार मंगया है, मालक अपने गुण बख्श, साढ़े विच वो मत पा दे, असी तेरा नाम जपिए, तेरी सार संगत की सेवा करिए, साढ़े विच वो गुण पा दे। हाँ जी, क्या मांगू कुछ तेरे नाम आई, देखत ने न चले हो जग जाई, एक लख पूछ सवा लख नाती, यारा कर दिया नबाती। कबीर साहब जी महाराज जेड़े बहुत बड़े परिवार वाले राजे महाराजे हुए है, उन्हां दियां मसालां दे रहे। रावण का इतना परिवार सी कि आज तक इन्हां परिवार किसी का नहीं होया, एक लख पुत सवा लख उन्हां दी लड़की पोती सी, आज तक इन्हां परिवार नहीं होया। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, एक समा ऐसा आ गया कोई दीवा बत्ती जगाने वास्ते नहीं रहा, कोई दीवा बत्ती जगाने वास्ते नहीं रहा। तुसी विचार करो, अज असी कोई मान करिए किसी चीज़ का, किसी का परिवार दो चार बंदे घर दे होंगे तो मान करेगा तो की हैगा, असी उधर नजर मारीए
जिन्हां दे लखां ते तदायत ते रहे नहीं, ते असी कादा माण करिए, किस चीज़ दा असी माण करदे आं। ओ परमात्मा साडे माण नूं नहीं चाहुंदा, तेरा माण खुदा नूं ना पावे, बंदिया तू माण ना करे। किहदे नाल असी किन्नू माण करके दसांगे, जिहड़ा साडा खुद करता है परमात्मा है, वो साडा माण जिहड़ा चाहुंदा नहीं। फकीर जद जद भी दुनिया ते आए, उन्हें माण नहीं किया, सब कुछ होंदया हुई भी वो सेवादार ही बने रहे। गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द की आखिरी तुक च फरमाउंदे है, नानक गरीब टै पिया दुबारे हर मेल लियो वडियाई। क्या संत कोई गरीब होंदे है? वो बड़े तो बड़े उन्होंने पास नाम की दौलत होंदी, लेकिन गरीबी के बिना यह चीज रहिंदी नहीं, वो माण नहीं करदे। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने फरमाया, रामा हम दासन दास करीजे, ऐ राम तू सानू दासा दा दास बना दे, जो तेरे दास ने तू उन्हां दा दास सानू बना दे। देखो कित्थे आग पहुंचे है, सब कोई ताकतां होंदे हुए असी मामूली काम करदे हां उहदा माण करदे हां, कुछ भी साढ़े पले नहीं होंदा उहदा असी माण करदे हां। फकीरां दे पले सब कुछ होंदा है, लेकिन फिर भी वह माण नहीं करदे, फिर भी वो दासां दे दास प्यारियां दे प्यारे बने रहिंदे है। कि सानू उस मालक दा प्यार चाहिदा है, होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। होर तो साडे शरीर के मुताबिक जिसने सानू पैदा किया है, उन साडे शरीरक रक्षा वास्ते हर एक चीज़ पैदा की है, ये मंगन की जरूरत नहीं। साढ़े आने तू पहला ही उसने सब चीज़ा इस दुनिया से पैदा कीतिया ने। जो जो भी सानू चीज़ चाहिए है वक्त के मुताबिक, और जैसा जैसा भी इंसान है, ऐसी ऐसी दुनिया से चीज़ा पैदा हुई ने। एक सिर्फ खाण पीन वास्ते नहीं, साढ़े रहन बहन वास्ते भी, मकाना वास्ते, तुसी देखो कि कड़ियाँ चीज़ा पैदा कीतिया ने, बड़िया छोटिया कीमतदार, कुछ घट कीमत, कोई बहुत कीमत, जैसा जैसा भी कोई इंसान हैगा, ऐसी ऐसी चीज़ पैदा की है। इसे जमीन विच सोना चांदी सानू चाहिदा सी, उसने पैदा किया इत्थे, ऐसे जमीन दे विच पानी पैदा किया, ऐसे जमीन च तेल पैदा किया, ऐसे जमीन दे विच साडियां खुराकां पैदा हो रही ने, इन्हां दे मंगण की जरूरत नहीं। ये तो समय अनुसार जो भी साडे कर्म ने, कर्मां दे अनुसार सानू मिलने मिलने है। सानू इको ही चीज मंगनी चाहिए है कि उस मालक का प्यार, जिथे प्यार है उत्थे सब कुछ है, जिथे प्यार नहीं उत्थे कुछ भी नहीं। कबीर साहब जी महाराज एक रावण की मिसाल दे रहे हैं कि जिन्हां दा बहुत बड़ा परिवार सी, छोटे मारे की तो मिसाल भी की होंदी हैगी, लखां की तदाद जिन्हां दा परिवार होवे, फिर दीवावती जगाने वास्ते ना कोई रवे, कितना औखा है, की बने सोने की लैंका, सोने के मकान सी उन्होंने, जिन्हां दा रहा कुछ नहीं। और बड़े बड़े सूरबीर इतिहास में दसिया है कि चंद सूरज उन्होंने रसोई बनाते सन, सब देवते उन्होंने कंट्रोल में सन, उन्होंने मौत अपने हाथ में सी, लेकिन अंत समा जब आया तो कुछ नहीं रहा। हाँ जी, एक लख पूत सवालक रावण कर दिया नबादी, लंका सा कोट समुंदर से खाई, या रावण की खबर न पाई। समुंदर लंका के आसे पासे चार चबखे सी, और एक बहुत बड़ी दीवार सी जिहड़ी उसके आसे पासे ही। उन्हां नूं इस चीज़ का माण सी कि मेरी लंका दे विच कोई आ नहीं सकदा, किस तरह आएगा समुंदर टप के, किस तरह इस दीवार नूं टपेगा। मगर वो समाया, समुंदर भी टपया गया, दीवारां भी जल गईयां, और दीवावती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। हाँ जी, लंका सा कोट समुंदर से खाई, या रावण की खबर न पाई।
राजा। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सोने दिया महल माड़िया सन, रूपे दे आजड़े शनशेड़ असी बनाउंदे आ ये चांदी दे सन, पर एक मिनट नहीं लगा वो छड के चला गए। बड़े बड़े जद भी किसी के अंदर वो ज्ञान पैदा होंदा है, समझ आउंदी है, तो इस चीज नाल होरन ही इहदा मोह तोड़ देंदे है। कई बार अगे भी दस्या कि कारू पातशाह जिसने तमाम दुनिया का धन जड़ा सी वह इकट्ठा कर लिया, फिर ढंडोरा फेरिया कि कोई एक रुपया देवे उसनों मैं लड़की का साग देंगा। एक कोई गरीब बेचारा मुसलमान लड़का सी, उसने जाके अपनी माता नूं कहा कि आज एक रुपया जे मैनू दे तो मेरी शादी पातशाह दे घर हो जाती। उसने कहा कि रुपया तो पातशाह ने कोई छड़िया ही नहीं, पर एक अंदाजा है जदों तेरे पिता जी मरे सन उसके मुँह में एक रुपया पाया सी, कवर पुट के देख लै जे मिल जाए। उसने कवर पुटी, कुदरती रुपया लग गया। जदों लैके गया साग किने देना सी उन्हों लड़की का, सिर्फ अंदाजा सी कि कितने माया रह तो नहीं गई। पूछया कितों लैंदा तू रुपया, कहिंदा जी मेरी माता ने मैनू दस्या सी कि तेरा पिता जदों मरिया सी उहदे मूंह च रुपया पाया सी, कवर पुट के देख लै मैं कवर पुट्टी है कुदरती मैनू लभ गया। कारू पातशाह ने कवरां भी पटाईया और सारी माया इकट्ठी कर ली। फकीर बड़े तरीके नाल सानू समझाउंदे है, सानू समझ नहीं आउंदी। एक फकीर शब्द व्यासी सी, कमाई वाला सी, उसने एक सुई दे दी थी कारू पातशाह नूं कि ये मेरी सुई लै जा, जदों तू दरगाह विच आवेगा उत्थे लैवीं मैं उत्थे लै लवांगा, मेरी मानत रख। सुई लै के अपने राजमहलां च चला गया, अपनी बेगम नूं जाके सुई दित्ती कि जदों मैं मरांगा तो मैनूं ये सुई देनी है, मैं एक फकीर की मानत देनी है। बेगम ने कहा पातशाह तू भोला हो गया है, तू जो मरना है तो तेरा शरीर थोड़ा जाना, तेरे नाल सुई तू लेवेगा किदा, किस तरीके नाल तू सुई ले सकदा है, ये मानत किसी की रखनी नहीं चाहिए, वापस दिया तू सुई लै नहीं सकता। बाणी च भी लिखिया मानत पराई ना रखिए देते ही सुख होए। वापस देने वास्ते गया फकीर ने जो सुई वापस दी कि महाराज ये सुई ले लो, मैं जदों मरना है तो मैं सुई किदा लियानी हैगी दरगाह। फकीर ने कहा पातशाह कोई गल नहीं, मामूली चीज है, एक मासा यदा वजन है, आ जड़ी तू माया कट्ठी की है सारी दुनिया की, ये भी तो लियानी है ना, जदों ये लियावेगा नाल मेरी सुई भी लिया। पातशाह ज्ञान हो गया कि जे मैं सुई नहीं लिया सकता तो माया मैं किदा लियानी, महाराज जी मैं माया किस तरह लियावगा, जे तेनों ये सबूत हो गया, जे ज्ञान हो गया कि माया मैं किस तरह नहीं लिया सकता तो क्यों गरीबों के गले घुट रहे हैं, लटा दे इस माया में। उस वक्त सारी माया लुटा दी। अपनी डायरी से उन्होंने लिखा कि जो मैं मरा मेरे हाथ नंगे रखने हैं, मैं दुनिया नूं दस दे जाना कि देखो मैं खाली हथी चलिया, मैं कुछ लैके नहीं चलिया। जदों किसी नूं भी ज्ञान पैदा हो जाता है तो उस वक्त इस चीज़ का मोह जड़ा ये टुट जाता है, ये नाशवान चीज़ है, ये मालक तो सानू दूर करने वाली है। कबीर साहब जी महाराज एक रस्से रस्से जा रहे सन, रस्ते विच उन्होंने कबीर साहब नूं ठगण वास्ते माया आ गई, एक बड़ा बोर जिहा लग गया माया का। कबीर साहब जी महाराज ने पिठ देख के लंघे, उधर ध्यान नहीं दिता। अगू चार बंदे आ रहे सी, उन्होंने कबीर साहब जी ने कहा कि भाई इधर ना जायो, इत्थे एक नागनी बैठी है वो तुहानू चौना नू खा जाएगी। कहन लगे एक नागनी असी चार सानू किदा खा जाएगी, वो चले आए। जदों देखी वो माया तां कोल बैठ गए ते कहंदे देखो बुढ़ा किड्डा चलाक है,
ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਚਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਠੱਗਣੀ ਪਈ, ਠੱਗ ਖਾਇਓ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਠੱਗਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਠੱਗਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਠੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਔਰ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ਵਾਧੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਫੌਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈ। ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੇ ਆਏ ਉਸਦੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ, ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਗੈਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਸ ਮਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਐਤਬਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਕਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗਣ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਂਡੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਆਨੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗੇ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਅੱਠ ਆਨੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਗਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਆਈ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਈ, ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੇਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਟਾਟੀ, ਉੜ ਜਾਸ ਬੜੀ ਰਹੇ ਮਾਟੀ, ਆਵਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਹੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੇ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਤਦ ਵੀ ਮੌਤ ਖੜੀ ਰਹੀ।
पशु बने तद भी मौत खड़ी रही, परिंदे बने तद भी मौत साढ़े सिर ते खड़ी रही। जो असी काम करना सी वह नहीं किया, इस तो बचन वास्ते जेड़ा काम करना सी वो सी भजन सिमरन साध संगत की सेवा। अपने घर जाण वास्ते सानू ये काम जेड़े है बहुत जरूरी ने, इन्हां दे बिना असी अपने घर नहीं जा सकते। और कर्म कांड असी करांगे उन्हां दे सानू जन्म मिल जांदे है, फल जरूर मिलता है, लेकिन सानू जन्मा विच चौरासी विच ही रहना पैंदा है। किसी पशुआं दे जन्म च आ जावांगे, परिंदियां च आ जावांगे, पशुआं दे आदर मान भी कईआं दे कर्मां दे अनुसार हैगे है, परिंदे भी कई चूरियां खा रहे, कई विष्टा खा रहे है। इसे तरह होर दरख्तां दे बारे भी तुसी देखो कि इन्हां विच भी बड़ा फर्क है, ये भी कर्मां दे लिहाज नाल। कई ब्रिश ऐसे है जिन्हां नूं मिठे फल लगते हैं, कई ब्रिश ऐसे है जिन्हां नूं कौड़े फल लगते हैं, और कई ऐसे ने जिन्हां दी कोई संभाल नहीं, कई ब्रिश ऐसे ने जिन्हां दे उत्ते बंदा नौकर है, उन्हां दा उन्हां दी संभाल वास्ते उन्हां दी खुराक देने वास्ते बंदा नौकर है, ये भी कर्म है। लेकिन चौरासी विच नहीं निकल सकता, चौरासी दे विच रहेगा, जमदा रहेगा मरदा रहेगा। चौरासी चो निकल वास्ते सानू भजन सिमरन की जरूरत है और साध संगत दे सेवा की जरूरत है। अगर असी ये काम नहीं करते तो फिर चौरासी साढ़े वास्ते तैयार है। इस काम की बहुत जरूरत है। सारे संत महात्मा जितने भी दुनिया च आए है उन्हें नाम ही दसे, नाम तेरा इत्थे भी सिखाई और दरगाह विच भी। कई बार एक राणी की मिसाल दिती है, कीता काम जड़ा मिलता है, कीते काम की मजदूरी हर बंदे नूं मिलती है। एक राणी सी पातशाह दी, ते पातशाह वो राणी जड़ी सी एक फकीर दा सत्संग वास्ते रात दे समय सुनने वास्ते जांदी सी, पर किसे नूं पता नहीं सी। जदों घर दे सारे सौ जांदे सन उस वक्त वो जांदी हुंदी सी। निंदक विच ही होंदे है, निंदक बाहरों नहीं आउंदे। एक ते राणी, एक राणी दा विश्वास बड़ा सी, ते फकीर ने उहदे बहन खलोण दा आदर मान करना। विच एक निंदक जी उसने सोचिया कि इहदा आदर मान हुंदा है, इहनूं कोई पातशाह दी शिकायत लाईए ते इहनूं मरवा देईए। एक दिन उह फकीर छोटे छोटे खिडौने जे बना रहा सी मकान तीलां दे, ते राणी ने 500 रुपया दित्ता ते लै लिया। इसलिए ले लिया, सोचदा निंदक कि हुण मेरा दा लग जाएगा। पातशाह दी कचहरी चला गया, जाके रुका लिख के अंदर दे दिता। पातशाह नूं जल समा मिलिया, उन्हें बुला लिया, दस भाई की काम है तेरा। विचों डरे भी कि हो सकदा कि उल्टना पै जाए मेरे। कहिंदा जी मेरी पहला जान बख्शो, फिर मैं तुहानूं दसदा। उन्हें कहा असीं कुछ नहीं कहिंदे तैनूं, तूं दस। तुहाडी राणी जिहड़ी है वह एक फकीर दे पास जाती है, तुहानूं पता है। तो पातशाह नूं कोई पता नहीं सी, पातशाह दे पैरां दी मिट्टी कर गई कि मेरी राणी मैनूं पता ना होवे किस वक्त जाती है। एक टके का मकान सी जी, ते 500 रुपया दे के लै आई। पर चलो पातशाह दे घर पैसे की कोई कमी नहीं होंदी, जिहड़ी तुहाडी इज्जत बरान होंदी है वह मैं दे के सह नहीं सकदा। बड़े ढंग नाल निंदा की, पातशाह नूं गुस्सा चढ़ गया। पातशाह दे कन्न बैरी हुंदे है, दिल च सोचदा कि अज राणी नूं मार के रोटी खानी है। जदों बौड़ी पौड़ियां चढ़ रहा सी, राणी ने उत्तों देखिया कि राजे दी अज तपा ठीक नहीं। जदों बंदे दे अंदर गुस्सा आवे ते रंग तब्दील हो जांदा, क्योंकि गुस्सा जिहड़ा उह अग है, उह रंग तब्दील हो जांदा बंदे दा। राजा चढ़ गया सी पौड़ी, ते राणी ने फरियाद की अपने मुरशद दे अगे कि अज मेरी इज्जत तू रखनी है। ते बाणी च भी लिखिया है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन मार। उस वक्त अपने मुरशद वल ध्यान किया, उन्होंने दसे हुए शब्द जड़े रटे कि मेरी अज इज्जत तू रखनी है। जो तो राजा उपर चला गया, कमरे के मंजा डट्ठा ही बह गया, नींद आई डिग पया। राणी ने लत्तां सीधियां कीतियां, उत्ते कपड़ा पा दिता,
मुरशद ने जम उसकी सुरती खिंचा उपर सचखंड च लै गया। हूँ उत्थे देखता वो देश बड़ा आला देश, बहुत खूबसूरत देश, बड़िया बड़िया आला कोठियां। देखता देखता एक कोठी जो उत्ते राणी का नाँ लिखा है। जदों राणी का नाँ देखा पढ़िया तो कहता ये कोठी तो राणी की है, तो मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, मैं राणी भैड़ा समझ रहा। तो दरगाह विचों दी कोठियां बनिया तो मैं बड़ा शरीफ अली बनया, तो मेरा तो कख भी नहीं इत्थे। अगे होके देखन लगा पहरेदार ने कहा कि तू अगे नहीं जा सकता, क्यों ये कोठी राणी दी है। कहिंदा पर राणी मेरी है। कहिंदे वो मात लोग विच इत्थे नहीं आए, इत्थे जिन कीता उहदी है, इत्थे कोई राणी राजा नहीं हैगा। जबरदस्ती रोह नाल लंघन लगा, धक्का मारिया, अख खुल गई, सोची पै गए की बनया। राणी ने आवाज मारी, हे राणी। राणी ने सोचिया कोई पारा ठंडा होया पातशाह, महाराज हुक्म करो। आशिक डरदे नहीं, आशिक नहीं डरदे जेडे पक्के होंदे है। राणी तेरा मुर्शद जड़ा वो मेरा दिल खिंच के लै गया, मैनू अपने मुर्शद के पास लै चल। राणी ने कहा महाराज मैं जानी हाँ, रोज जानी हाँ, अज भी मैं जाना। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाती हैगी, कहती मैं रोज जानी हाँ, अज भी जाना, पर अजे मेरा मुर्शद भजन बैठा, जदों भजन तो उठूगा मैं जाना, मैनू पता है टाइम का। कहता नहीं, मैनू जल्दी लै चल, मैं हूँ रह नहीं सकता। 10 मिनट पहला लै गई बहर बैठ के। जब मुर्शद उठाया उसने सत्संग किया, 500 रुपया कट के वो फकीर दे अगे रख दिता कि एक मकान मैनू भी दियो जी। वो फकीर ने कहा कि पातशाह कि 500 रुपया कीमत नहीं मकान की, वो तो 7 पातशाहियां कीमत है उस मकान की। जी राणी ने परसों लेता 500 का। कह लगे राणी ने कोई देखिया थोड़ा जी, उन्हें तो थोकदा ही सौदा किया, उन्हें कोई देखिया थोड़ा, तू देख के आया। कहता जी उत्थे पातशाहियां का तो मुल ही कोई नहीं है। राणी समझ गए कि इन्हू कुछ अंदरों नजर आया। उन्हें फकीर अगे अर्ज की, महाराज इन्हू नाम दान बख्शो, आपे मकान मिल जाएगा, दया करो। सो भाई मेहनत की जाती नहीं, कोई दुनिया च मेहनत करता है, जगत मजदूरी ना रखे, क्यों रखे भगवान। कोई भी मजदूरी करता है दुनिया च करता है तो दुनियादार नहीं रखता। कि असी उस परमात्मा का नाम जपांगे वो साड़ी मजदूरी सानू देगा नहीं। पिछले इतिहास जड़े वो सबूत करते हैं, वो सानू अपने निशाने दसते हैं कि अगन विचों कितों कितों फकीरां नू बचाया, अगन विच जलाया कबीर साहब नू, उत्थे कौन सी बचाण वाला। हाथी दे अगे सुटिया, खूनी हाथी होवे शराब लैके अगे बन के सुट दिता, किन बचाया। गंगा दे विच ला के जंजीर हथा पैरां नू ते बन के सुट दिता, उत्थों किन बचाया। वो मालक जेड़ा जिहदी मजदूरी कर रहा है, जिहदा कम कर रहा है, वो मालक उहदी सहायता कर। तो साडा सारिआं दा फर्ज है असीं नेक पाक कम करिए, अच्छे कम करिए। तो सब तो अच्छा कम जेड़ा वो ईश्वर की भगती है, ईश्वर का नाम है। इस तो वधिया कोई दुनिया का होर कम नहीं है। ये सियाणियां दी मसाल है, 100 हथ रसा दे सिरे दी गंढ है। इस तो वधिया कोई भी अच्छा कम नहीं। हाँ जी जात संगाती काम गे हाथी कह कबीर अंत की बारी हाथ चाड़ जो चला जुआरी। कबीर साहब जी साड़ी मसाल दे रहे हैं, है कबीर जब अंत समाएगा तेरे पल्ले कख नहीं होना। जिस तरह जुआरिया जुआ खेड़ के हाथ चाड़ के चला जाता है, इस तरह तू भी दुनिया तू चला जाएगा, के लेगा तू पल्ले।
इथे असी लेना की है जो असी नेक पाक काम करने अच्छे काम करने हैं वो साड़ी एक शाजत बन जानी है वो साड़ी जायदाद बन जाती है। बाबा फरीद जी एक बार कंजरां दे बाजार दे विचों दी जा रहे सन। एक कंजरी ने अपनी दासी नूं कहा कि जा शेखां दे महल्ले उत्थे एक बंदा मरिया है देख वो बिश्तां नूं गया कि दोजकां नूं गया। बाबे फरीद ने सोचा मैं तो बहुत ही तपस्या की है मैनू दोजकां बिश्तां का पता ही नहीं लगा इस कंजरी नूं किस तरह पता है। उत्थे बैठ गए जब वो लड़की आई कहन लगी बीबी जी वो तो बिश्तां नूं गया वो बिश्तां नूं गया है। पूछया बाबे फरीद ने कि तेनू कि पता बिश्तां नूं गया है ये थोड़ा तजर्बा है जी। की तजर्बा है कि मरण तो बाद जिस बंदे की लोकी तारीफ करते हैं कि चंगा सी वो सीधा बिश्तां नूं जांदा है क्योंकि इतों गवाही साड़ी बननी है। जे चंगा होगा पहला तो बाद लोकी चंगा कहणगे जे पहला चंगा नहीं होगा बाद किसी का डर नहीं होंदा कोई भी चंगा नहीं कहिंदा चंगे नूं ही चंगा बाद भी लोकी कहिंदे है ये साड़ी एक शाजत बनती है। तो इस वास्ते सानू ऐसा काम करना चाहिए कि फकीर ने फरमाया ऐसा काम कर जा जो भूले ना जवाना ऐ इंसान तू दुनिया ते ऐसा काम कर तेरे बाद भी जवाना तेनों याद करे ऐसा काम कर कि बाद विच भी जवाना याद करे। सो असी अपने अपने ते काम करते हैं मुश्तरक काम जेड़ा फकीर जब भी दुनिया ते आउंदे है वो सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं जिस तरह कोई भी इंसान दुनिया का काम करता है मेहनत करता है व्यापार करता है वो सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं हैगा उहदे विच कई हिस्सेदार होंगे ते कईआं दे काम आउंदा हैगा। अपने वास्ते बंदे ने की है दो फुलके खाने होंदे है किन्ने क दसां मिंटां च भी ये कमा सकता हैगा सारी जिंदगी लाने की की जरूरत हैगी है। जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम की कमाई की है उन्हां सारिआं दा भला मंगिआ। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहे से दोस्ती ना काहे से बैर। जिन्होंने बन के गंगा च सुटिया चिखा च जलाया हाथियां के सुटिया उन्होंने भी खैर मंगी क्योंकि फकीर उन्होंने अन्ने समझते हैं जेडे ऐसे काम करते हैं उन्होंने अन्ने समझते हैं उन्होंने अखा नहीं सानू देख लैन। जिस तरह मंसूर साहब ने कहा सी जब मंसूर साहब नू फतवा लगाया कि इन्हू सूली ते चढ़ाया जाए जब बाजार दे विचों दे लेना सी ते लोकां नू कहा उन्होंने कि इन्हू पथराव करो ये एवें ना जावे लोकां ने पत्थर मारे। शेख शिवली ने एक फुल मारिया जब फुल मारिया तो मंसूर खड़ा पुकारिया कि मर गया मर गया। शेख शिवली ने कहा लोगों ने पत्थर मारे तू बोलिया नहीं मेरे फुल की तेनों बड़ी लगी है कहिंदा हाँ तेरे फुल की मैनू बहुत लगी है ये लोग जेड़े पत्थर मारते अन्ने है इन्हों मेरा नहीं पता तू मेरा दोस्त है तू मेरे जानकारी है तेनों मेरा पता है कि मैं कौन हाँ तेरा एक फुल भी जरा मैं पत्थरों तो बद लगा है। सो फकीर जिन्होंने पता नहीं बारे वो इन्ना महसूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने पता नहीं जेड़ा एक बंदा अन्ना है वह कुछ भी कर सकता है जो मर्जी वह कह भी सकता है पर जिहड़ियां अखां ने जेड़ा जानदा है अगर वह करे फिर उहदे बारे अफसोस है। मंसूर साहब ने अफसोस किया कि तेरा फुल जड़ा पत्थरां तो वध लगा है। हाँ हाथ जाड़ जो चला जवारी जदों असी कोई नेक पाक काम नहीं किया उल्टी फकीरां दे नाल विरोधा कीती उन्हां दी निंदिया कीती की लैके जावांगे असी की साडे पल्ले होएगा खुदियां छड दे बाबा बिधी चंदा जे कर नेकियां नहीं कमाण जोगा जे बंदा नेकी भी नहीं कमा सकदा ते खुद ही भी छड देवे बुरा काम भी ना करे जे अच्छा नहीं करन जोगा तो बुरा भी ना करे। हजूर कई बार फरमाते होंगे ही जे बुरी संगत को बंदा घर च सौ ही रहे तो तद भी फायदा ही है बुरी संगत विच जाण वास्ते अगर सौ भी रहे अपने घर च तो फिर भी फायदा
जे चंगा नहीं कर सकता माड़ा भी ना करे, फिर भी कुछ ना कुछ फायदा रहता है। पर जे असी माड़े कर्म करांगे तो फिर साढ़े वास्ते अगे 84 जेलखाना तैयार है, कौन सानू बख्शेगा। साईं बोले शाह ने बाणी जे फरमाया है, जो तेरी मासी फुफी बोलिया तेरे नाल ना कोई जासी, ये सब कजिया तेनू पैसी, ये जिन्हां दे रिश्तेदारां दे वास्ते तू चोरियां ठगियां ते बुरे कर्म करदा है, ये सारा अगे कजिया जिहड़ा पैना मुश्किल आउणी तेनू आउणी है। इन्हां तेरे साथ किसे नहीं जाणा, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। सो गुरु साहब जी जो कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जितना एक जवारी आ चला जाता हाथ झाड़ के, इस तरह असी भी साड़ी जमदूत आवे रूह कट के लै जावे, साढ़े पल्ले कुछ भी नहीं है, असी की जवाब देवे उस मालिक नूं भी, किस केड़ी कमी ही सानू असी तेरा नाम नहीं जप सके, किस कारण तेरा नाम जपे सानू कोई खाण पीण नूं नहीं मिलिया, कुछ रहण नूं मिलिया, कपड़ा लाण नूं नहीं मिलिया, केड़ी चीज की कमी परमात्मा ने सानू छड़ी, साड़ी सेफ्टी वास्ते केड़ी चीज नहीं बनाई, असी की लामा देंगे जाके, उते सानू शर्मिंदे होना पड़ेगा। हाँ जी, कह कभी अंत की बारी हाथ जाड़ जो चला जवान।